कप जीतने के बाद अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में निकाले गए विक्ट्री मार्च में बवाल हो गया। यह घटना तब हुई जब अर्जेंटीना के खिलाड़ी ओपन बस में सवार होकर अपने प्रशंसकों के बीच पहुंचे, जिन्हें देखने ब्यूनस आयरस की सड़कों पर करीब 4 लाख लोग इकट्ठा हुए, जिनके हाथों में मौजूद अर्जेंटीना के झंडों से पूरा शहर पट गया। अर्जेंटीना के कुछ प्रशंसक तो मेसी और मैराडोना की बड़ी बड़ी तस्वीरें लिए नजर आए, वहीं कुछ तो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए सड़क पर लगे साइन बोर्डों पर चढ़ गए। लेकिन कुछ समर्थकों ने इस दौरान हद पार कर दी। खबर है कि पुल से लटके कुछ लड़के छलांग लगाकर सीधा खिलाड़ियों की बस में कूद पड़े, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं दावा किया गया कि जिस सड़क से ये विक्ट्री मार्च निकला, वहां एक जगह बिजली की हाई टेंशन लाइन मेसी के सिर से टकराते टकराते बची। आशंका जताई गई कि अगर खिलाड़ी सही समय पर अपने सिर नीचे न करते तो बड़ा हादसा हो सकता था। यही वजह थी कि इसके बाद विक्ट्री मार्च को बीच में ही रोककर खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाला गया। और जैसे ही विक्ट्री मार्च रुका, अर्जेंटीना के समर्थक भड़क गए और तनाव इतना बढ़ गया कि जश्न में डूबी भीड़ को हिंसक होने में जरा भी वक्त नहीं लगा और उनके निशाने पर आए अर्जेंटीना के पुलिस के जवान, जिन पर भीड़ ने कांच की बोतलें फेंक कर हमले किए। वहां से आए एक वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर आगजनी करते नजर आए, जिसके बाद पहले तो पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर दनादन आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि यह हंगामा देर रात तक चला, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने जब सड़कों से प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह खदेड़ा, तब जाकर ये बवाल खत्म हुआ। उधर मुंबई के पास वसई में दिन दहाड़े गैंग वॉर से सनसनी फैल गई। वहां पर बीच सड़क पर दो गिरोह के कुछ लोग तलवार लेकर आपस में भिड़ गए। ये घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखा कि सड़क से गुजर रही एक काली गाड़ी में सफेद रंग की एक दूसरी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद काली गाड़ी में बैठे लोग उतर कर भागने लगे। लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठा शख्स नहीं निकल पाया, जिसे दूसरे गिरोह के लोगों ने गाड़ी खींच कर बाहर निकाला, जिसके बाद उसे सड़क पर गिराकर उस पर तलवार से कई वार किए। और ऐसे में उस आदमी ने उनके चंगुल से छूटने की काफी कोशिश की, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाया क्योंकि बदमाशों से वो घिरा हुआ था, जो उस पर काफी देर तक तलवार से हमला करते रहे। जब ये तमाशा लंबा खींचा तो वहां लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन उनमें एक बदमाश ने पिस्तौल निकाल ली, जिसे देखकर लोग घबरा गए और वहां से पीछे हट गए। बाद में बदमाश उस आदमी को वहां से उठाकर अपने साथ ले गए और कुछ दूरी पर ले जाकर उसे फेंक दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस गैंगवॉर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। और खबर गाजियाबाद से, जहां आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर लड़की के खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि लड़के ने लड़की को पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद लड़की ने सदमे में आकर आत्महत्या कर ली। लड़की की मौत के बाद से ही आरोपी फरार था। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 6 टीमें गठित की और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।